हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, उसकी इक्वेशंस बनाई थी और उसका ग्राफ बनाया था, फिर उसकी मदद से उसके सॉल्यूशन निकाले थे। ऐसे ही फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, उसकी इक्वेशन बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ की मदद से उसके सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपसे कहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इनका जो टोटल कॉस्ट है दोनों का मिला के वो कितना है, 50 रुपीज। आगे गए आपसे कहा है 7 पेंसिल ली गई है और 5 पेन लिया गए, इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 46। दो कंडीशन दे रखी है। तो देखो आपको यहाँ 5 पेन 7 पेंसिल इनका कॉस्ट दे रखा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा का आपको कॉस्ट दे रखा है। जब भी आपको बहुत सारी क्वांटिटी का कॉस्ट दे दे तो आप एक एक क्वांटिटी का कॉस्ट मान लो, आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट है आपके पास वो तो क्या है, X रुपीज है। और ऐसे मान लेता हूँ एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है आपके पास, Y रुपीज। ये आपने दोनों चीज मान लिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, तो स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है आपके पास, 5 तो पेंसिल है और 7 पेन है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, 5X। ऐसे ही बात करते हैं 7 पेन की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज है, तो 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 7Y। और इनका जब टोटल करेंगे तो बुक वाले ने क्या कहा है कि टोटल जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 50 रुपीज के। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, तो वापस आप स्टेटमेंट पे आएंगे। तो स्टेटमेंट पे जब आप आएंगे यहां पर, तो स्टेटमेंट में देखो इस बार क्या कहा गया है, 7 पेंसिल ली गई है और 5 पेन लिए गए हैं, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट, एक पेंसिल का कॉस्ट एक से, तो 7 पेंसिल का 7X होगा। 5 पेन लिए गए और एक पेन का कॉस्ट है वाई, तो 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 5Y। और इनका जो टोटल कॉस्ट है बुक में वो क्या दिया है, 46 रुपीज दिया गया है। आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, तो आपका ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब इसका क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का देखो सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया था, ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऊपर की तरफ लिख लेता हूं। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को यहां ऊपर लिखेंगे, तो पहली इक्वेशन तो ये रही 5X + 7Y और इक्वल में 50, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, 7X + 5Y इक्वल में 46। अब आपको इसमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको। क्या करना है, एक बार x की जगह 0 रखना है, यहाँ पर भी एक बार x की जगह 0 रखना है। चलो दोनों जगह x की जगह 0 रखते हैं। तो देखो 5 × x की जगह 0 प्लस एज इट इज 7 as it is, Y as it is और 50 as it is, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ 0 में फिर 7 प्लस होएगा तो 7 ही आएगा ना, और यहाँ इक्वल में 50। देखो y को निकालेंगे तो 50/7 आएगा। अब इसको डिवाइड करना है आपको, 50 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो देखो 7 × 7 = 49 होता है, माइनस जब करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये छोटा आ चुका है तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 0। फिर इसके बाद बात करते हैं 7 × 7, माइनस करेंगे कुछ भी बचे, आपको जब भी ग्राफ बनाना है तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक आपको डिवाइड कर देना है, तो 7.1 आपकी ये वैल्यू मिली। चलो उधर की तरफ बात करते हैं, तो इधर की तरफ अब एक्स की जगह जब 0 रखेंगे तो आपके 7 ऐसा कैसा, एक्स की जगह 0 आ जाएगा, 5 as it is, Y as it is और यहाँ पर 46 भी एज इट इज। 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, और 0 में 5 को प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा ना, तो इसका मतलब ये 0 वाला तो गायब हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचा रहेगा 5Y और इक्वल में 46। Y की जब वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 46 कहाँ जाएगा 5 कहाँ जाएगा 46 के डिवाइड में, जब इसको कट कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 46 को 5 से कट करने जा रहे हैं, तो 9 5 होता है 45, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 0 आएगा, 2 टाइम पर 10 आएगा, ये कंप्लीटली कट हो चुका है। तो आपको y की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से 9.2 मिल चुकी है। तो एक एक वैल्यू दोनों की निकाल चुके हैं। अब देखो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए, एक बार आपने x बराबर 0 रखा है दोनों तरफ, एक बार क्या कर देंगे दोनों तरफ y बराबर 0 रख देंगे। तो y बराबर 0 जब आप रखेंगे यहाँ पर, तो देखो y बराबर 0 रखते हैं तो 5 आपके एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज, लेकिन y की जगह आपके पास 0 आ जाएगा और इक्वल में 50 चलेगा। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और 0 को 5 में प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, तो ये गायब हो जाएगा, बाकी ये बचा रह जाएगा, और उधर इक्वल में आपके पास क्या बचा रह जाएगा, 50 बचा रह जाएगा। x को निकालेंगे यहाँ से तो मल्टीप्लाई में था, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और कितनी बार कट हो जाएगा, 10 टाइम कट हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिली है, 10 मिली। बात करते हैं इधर जब y की वैल्यू आप 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो चलो रखते हैं 7 आपका एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज, लेकिन y की जगह यहाँ 0 आ जाएगा और इक्वल में जो 46 चल रहा है ना वो भी एज इट इज रहेगा, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, सिर्फ बचा के रह जाएगा यहाँ पर 7X और इक्वल में क्या चल रहा है आपके, 46 चल रहा है। अब x को आप जब निकालेंगे यहाँ से तो 46 के डिवाइड में कौन जाएगा, 7। चलो इसको कट करते हैं, तो इसको जब आप कट करेंगे
46 को 7 से, तो 7 की टेबल में 6 टाइम पर 42 आता है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको पता है क्या बचना है, 3 बचना है। 3 क्या है, छोटा है 7 से, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 ले लेंगे। फिर आपको पता है 7 फोर जार 28 होता है, तो आपको पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक कट करना है, माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको कट करने पर आपके पास आएगा 6.4, तो यहाँ लिखेंगे आप x की वैल्यू 6.4। तो आपने दो दो वैल्यू निकाल ली है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम दो दो वैल्यू की ही ज़रूरत होती है। बस इसका आपको क्या बना लेना है, टेबल बना लेना है, और टेबल बनाते फिर आप ग्राफ बनाने चलेंगे और उसकी मदद से आंसर निकालेंगे। तो देखो यहाँ रखेंगे x और यहाँ रखेंगे y। तो देखो यहाँ पर x आपने क्या लिया था, 0, जिससे y क्या मिला आपको 9.2। बात करते हैं यहाँ की सेकेंड कंडीशन की, तो सेकेंड कंडीशन में y 0 था, जिससे x क्या मिला आपको 6.4। इसकी भी टेबल बनाते हैं, तो इसकी टेबल बनाएंगे जब आप यहाँ पर, तो इसकी टेबल में देखते हैं देखा क्या बनता है। तो यहाँ पर x लिखेंगे या y लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x की जगह 0 है, जिससे y क्या मिला आपको 7.1। y की जगह जब 0 रखेंगे तो x की जगह आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ये आपके दो टेबल बन चुकी है, और इसकी मदद से आप ग्राफ बनाने जाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है दो लाइनें बनाना है आपको, और देखो सीधी सी बात है, सारे के सारे नंबर प्लस में आ रहे हैं, तो प्लस में आ रहे हैं तो माइनस की ज़रूरत तो है ही नहीं ना। तो बस आपको सीधा सा काम करना है, एक तरफ तो आपको x लिख लेना है, एक तरफ आपको y लिख देना है, और यहाँ दोनों लाइन मिलेगी ओरिजिन, जिसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर 10 आ रहा है, तो कहने का मतलब अपन 10-10 तक दोनों में बना लेते हैं। तो और इसे थोड़ा चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, इधर से भी चाहे तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अब देखिए पॉइंट को रखते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट को रखने के लिए सीधा सा तरीका ये था, मैंने क्या कहा था, ये पूरा एक पॉइंट है, जीरो को भूल जाओ, आपको नंबर देखना है, नंबर दिख रहा है 7.1, और 7.1 कहाँ दिख रहा है, वाई पे, तो वाई पे 7.1, और वाई आपको पता है ये वाई होता है, तो वाई पे 7.1 कैसे लगाएंगे। तो देखो 7 तो दिख रहा है लेकिन 7.1 नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए सीधा सा है, ये जो ग्राफ का जो बॉक्स होता है उसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस होती है, तो यहाँ पर आपके पास 10 लाइंस होती है ना, तो उनकी मदद लेंगे तो आपको 7.1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 7 के बाद जस्ट एक लाइन ऊपर चले जाएंगे तो 7.1 मिलेगा। अगर आपको 7.3 चाहिए होता तो 7 के बाद आप 3 लाइन ऊपर जाते, आपको 7.3 मिल जाता, लेकिन मुझे 7.1 चाहिए तो मैं एक लाइन ऊपर जाऊँगा और ये पॉइंट पर सर्किल कर दूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो दूसरा पॉइंट देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ओनली 10, और 0 को तो भूल जाओ, और 10 जो है वो किस पे दिख रहा है आपको, इस बार x पे, तो x पे 10 कहाँ है भाई, ये रहा x पे 10, और ये दोनों पॉइंट को अब आप क्या करेंगे, मिला देंगे। जब आप इनको मिलाएंगे तो आपकी कुछ ऐसी लाइन बनेगी, और इस लाइन के ऊपर आप क्या कर देना, ये इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन आपकी क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल में 50, ठीक है। अब इसकी मदद से भी ग्राफ बनाएंगे, तो इसकी मदद से ग्राफ बनाएंगे, तो देखो ये पहला पॉइंट, इसमें 9.2 दिख रहा है, 0 को तो भूल जाना है, 9.2 दिख रहा है, तो 9.2 y पे, किस पे, y पे है, तो y पे ये रहा 9, लेकिन 2 तो दिख नहीं रहा है, तो पॉइंट के बाद 9 के बाद आप क्या करेंगे, 2 लाइंस काउंट कर लेंगे, तो आपको 9.2 मिलेगा। तो 9.1 9.2 ये दो लाइन ऊपर आप पॉइंट लगा देना और इसको ऐसे सर्किल कर देना, ये 9.2 आपको मिल चुका है। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में देखो 6.4 और 0 दिख रहा है, 6.4 का मतलब ये होगा x पे 6.4, तो x पे 6.4 ये रहा, x6 तो ये रहा, लेकिन पॉइंट 4 के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में जो 10 लाइंस हैं उनको काउंट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन पे जाएंगे तो 6.1, सेकंड लाइन पे जाएंगे 6.2, फिर 6.3 और 6.4, तो आपको 6.4 मिल जाएगा। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब आप मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो आपके कुछ ऐसे लाइन बनेगी, और इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख देना। यहाँ पर ये किस इक्वेशन से बनाए, ये बनाए 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्केल लिखना है, क्या लिखना है, स्केल लिख देना है। जब आप यहाँ स्केल लिखेंगे तो स्केल के लिए आपको पता है लाइन आपको क्या लिखना है, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर और इक्वल का साइन लगा देना, सेम नीचे भी लाइन आएगी, ऑन x एक्सिस, सॉरी ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल, तो x एक्सिस और y एक्सिस पर आपने कितने कितने का गैप दिया, 1-1 का गैप दिया। x को क्या माना था आपने, कॉस्ट माना था, तो कॉस्ट माना था, तो यहाँ पर कॉस्ट की यूनिट क्या होती है, रुपीज, और यहाँ पर भी क्या जाएगा, रुपीज। ये आपके ग्राफ बना। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे देंगे, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे देंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो लाइनें मिल रही है, इन लाइनों को क्या करेंगे, पकड़ के x पे ले जाएंगे और पकड़ के y पे ले जाएंगे। जब आप इसको आपकी फेयर कॉपी में बनाएंगे तो ये लाइन 6 पे आती हुई दिखेगी और ये लाइन 3 पे आती हुई दिखेगी, तो मतलब x पे तो 3 आ रही है, तो x की वैल्यू तो आएगी आपके पास 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 6। और x जो था वो आपने माना था किसको, पेंसिल को, तो पेंसिल की कॉस्ट आपके पास कितने रुपये आए, 3 रुपीज़ आई, और y जो था,
सॉरी ये आपके सिक्स पे ना दिखेगा, ये आपको सिक्स पे ना दिखे, किस पे दिखेगा? फाइव पे दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, फाइव पे दिखेगा। आपकी वैल्यू क्या मिली? फाइव मिली। तो यहाँ पर पेंसिल की कीमत आपके पास 3 रुपीज़ है और पेन की कीमत आपके पास कितनी है? 5 रुपीज़। ये आपका आंसर है।